हे दोस्त, आज की बुक समरी में एक वर्ल्ड क्लास थिंकर की स्टोरी बताकर करूंगा, जिनका नाम है रिचर्ड फेनमन। रिचर्ड का वर्ल्ड क्लास थिंकर बनने का सफर हाई स्कूल से शुरू हुआ, जब एक दिन उनके फिजिक्स के टीचर ने उनको बुलाया और एक चैलेंज दिया। टीचर ने उनसे कहा कि तुम क्लास में बहुत बोलते हो और शोर मचाते हो, क्योंकि तुम बोर हो जाते हो, इसलिए मैं तुमको एक किताब दे रहा हूँ। तुम इस किताब को पढ़ो और जब तुमको सब कुछ आ जाए जो भी इस किताब में लिखा है, तब तुम फिर से बोल सकते हो। फिर हर रोज रिचर्ड क्लास के किसी कोने में बैठकर अपने टीचर की दी हुई किताब को पढ़ते थे, जिसका नाम था एडवांस कैलकुलस बाय वुड्स। जबकि क्लास के दूसरे बच्चे अपने रोजाना के लेसन पढ़ रहे थे, रिचर्ड ने कैलकुलस टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते पढ़ते अपने खुद के मेंटल मॉडल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था। मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जान लेते हैं कि रिचर्ड के साथ क्या हुआ। प्रिंसटन में पीएचडी के सबसे अच्छे स्टूडेंट जिस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते थे, रिचर्ड उसको भी आसानी से सोल्व कर लेते थे। और जब उनसे पूछा गया कि वो ये प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व कर पाते हैं, तो उन्होंने इसका कारण खुद को इंटेलिजेंट होना नहीं बताया, क्योंकि प्रिंसटन में पीएचडी का हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट ही था। रिचर्ड में कुछ अलग था, तो वो उनका प्रॉब्लम को देखने का तरीका। उन्होंने अपने अंदर काफी तरह के मेंटल्स मॉडल को डेवलप करना सीखा हुआ था। तो अब जानते हैं ये मेंटल मॉडल्स होते क्या हैं। मेंटल मॉडल्स थिंकिंग टूल होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम जिंदगी को समझने के लिए, फैसले लेने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क या वर्ल्ड व्यू है, जिससे हमें दो चीजों के बीच के रिलेशन को समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 9 मेंटल मॉडल्स जो मैंने इस बुक द ग्रेट मेंटल मॉडल से सीखे, जिससे आपको क्लियर, रैशनल और इफेक्टिव थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। पहले चैप्टर में ऑथर हमें कहते हैं कि जीतने के लिए ब्लाइंड स्पॉट को हटाइए। ब्लाइंड स्पॉट यानी ऐसी जगह या ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं या फिर उसके बारे में आपको नहीं पता। ब्लाइंड स्पॉट को हटाने के लिए फील्ड के एक्सपर्ट से सीखें उस बारे में जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस फील्ड में आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, आपको कुछ नहीं पता, तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। इस ब्लाइंड स्पॉट को हटाने के लिए आप बिजनेस के बारे में उस इंसान से सीखें जिसको इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस हो, और इस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स और वीडियोस को देखें, वहां से भी सीखें, तभी आप ब्लाइंड स्पॉट को रिमूव कर सकते हो। आपके रास्ते में जितने कम ब्लाइंड स्पॉट होंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके सक्सेस होने के। जो भी काम आप करने वाले हैं, उसके बारे में आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतने ही कम चांसेस हैं कि आप उस फील्ड में कोई गलती करने वाले हो। तो दोस्तों, अब जानते हैं 9 मेंटल मॉडल्स 1 by 1। नंबर 1, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैप यानी नक्शा, जो हमें किसी अनजान जगह के रास्ते के बारे में बताता है, पर जरूरी नहीं कि कोई जगह जैसी मैप में दिखाई गई है वो वास्तव में ऐसी ही हो, वो आधी या पूरी तरह अलग हो सकती है। कहने का मतलब यह है, किसी दूसरे की दी गई जानकारी के ऊपर ही अपने फैसले ना ले। हो सकता है आपको आधी अधूरी जानकारी दी जा रही हो और वास्तव में सिचुएशन कुछ अलग ही हो, तो इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद छानबीन करें। नंबर 2, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जब आपको पता होता है कि आपकी स्किल्स में कहां पर कमी है, तब आपको आपकी लिमिट्स भी पता चल जाती हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कहां पर खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। खुद की काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए आप टॉपिक से रिलेटेड बुक्स को पढ़ें, एक्सपर्ट की सलाह माने। नंबर 3, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। ये मेंटल मॉडल कहता है कि आप किसी आइडिया या प्रोजेक्ट को पहले डिसअसेंबल करो, यानी उसके पार्ट्स को अलग अलग करो, और फिर फालतू चीजें हटा दो ताकि जरूरी चीजें रह जाएं। इससे आप अपना समय बचा सकते हो। नंबर 4, थॉट एक्सपेरिमेंट। ये मेंटल मॉडल कहता है, आप किसी काम को हकीकत में करने से पहले उसको अपने दिमाग में करो, यानी इमेजिन करो कि आप उस काम को कर रहे हैं और फिर कितने और किस तरह के परिणाम निकलते हैं ये पहचानने की कोशिश करो। इससे आपको सोचने में मदद मिलेगी कि इस काम को करने में कितने बुरे और कितने अच्छे परिणाम निकल सकते हैं, और फिर आप बुरे परिणामों से बचने के लिए अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हो। नंबर 5, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। समस्या को जिंदगी में आने से रोकने के लिए और जिंदगी में उन्नति करने के लिए सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल करें। ऑथर के दिए हुए सभी मेंटल मॉडल्स में से मुझे ये वाला मॉडल सबसे ज्यादा पसंद आया। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग यानी अपने एक्शन या सिचुएशन के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को पहचानना और तुरंत मिलने वाले रिजल्ट्स को इग्नोर करना, चाहे वो अच्छे ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, जिस इंसान से आपने बहुत ज्यादा प्यार किया उसने धोखा दे दिया, आप उसकी याद में तड़प रहे हो। अब इस दर्द को दूर करने के लिए आपके पास दो रास्ते जरूर होंगे। पहला, आप सिगरेट या दारू पीना शुरू कर दोगे, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए बेहोशी छा जाएगी, जिससे होगा ये आपको ब्रेकअप के दर्द से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, जो कि एक तुरंत मिलने वाला परिणाम है, और इस समाधान का आगे चलकर आपकी हेल्थ पर बुरा फर्क पड़ेगा।
समस्या के समाधान में अगर आपने ये सब बुरे परिणाम पहचान लिए तब आपको दूसरा समाधान सोचना होगा, जो तुरंत परिणाम तो नहीं देगा पर आगे चलकर सब अच्छा ही होगा। जैसे ब्रेकअप के बाद अपने फ्रेंड से बात करना या एक्सरसाइज करना, अपने पैशन या पर्पस को फॉलो करना। ये सिंपल थिंकिंग आपको गलत फैसला लेने और आपकी जिंदगी को बिगाड़ने से बचा सकती है। नंबर 6, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। ये मेंटल मॉडल कहता है कि आप सिर्फ बाहर से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने फैसले ना लें। एक बार सोचें कि इस बारे में आपको पहले से ही क्या पता है। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज में देखा कि दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए हैं, तब आप क्या करोगे? अगर आप पूरी तरह इस जानकारी के ऊपर निर्भर होकर फैसला लेंगे तो शायद आप अब कभी भी प्लेन में यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने प्लेन में यात्रा करने के एक्सपीरियंस को याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्लेन में यात्रा करना सेफ होता है। आखिर कार में 5 या 3 साल से प्लेन में सफर कर रहा हूँ। नंबर 7, इन्वर्जन यानी किसी प्रॉब्लम, सिचुएशन या टास्क को उसकी ऑपोजिट साइड से देखना। अगर आप किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हो बिना ये जाने कि उसके पीछे की वजह क्या है, तो हो सकता है आप कुछ जानकारियाँ मिस कर दें जिसकी वजह से आप कोई गलत फैसला ले बैठे। दोस्तों, आप बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो, बस आप खुद को बेवकूफ बनने से बचा लो। नंबर 8, ओकम्स रेजर। आप चाहे बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर दुनिया की किसी समस्या का समाधान देने के बारे में, हमेशा सिंपल सॉल्यूशन ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन साबित होता है। ओकम रेजर मेंटल मॉडल कहता है आप चीजों को सिंपल बनाओ, ना कि मुश्किल। नंबर 9, हैंडलिम्स रेजर। ये मेंटल मॉडल कहता है कि ज्यादातर लोग आपको दुख देना नहीं चाहते। अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर देते हैं तो हो सकता है कि वो एक गलती हो। सिर्फ कुछ लोग ही बुरे होते हैं, वरना ज्यादातर लोग गलती करते हैं और उसी गलती की वजह से वो आपको दुख पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस तरह सोचने से आपको आसानी मिलती है दूसरों को माफ करने के लिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं इस चैनल पर हर सैटरडे नाइट एक वीडियो डालता हूँ। अगर आप अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।